फरीदाबाद से हैं निशा, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी नमस्कार मैम। मैम, मुझे जरा आपसे ये पूछना था कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। हाँ थायराइड? जी, मेरी 30-35 की उम्र है। ठीक है मैम। मुझे थायराइड के साथ साथ अब 1-2 साल से मेरे, पता नहीं कहते हैं डॉक्टर की सर्वाइकल है, लेकिन मुझे नहीं लगता। जो मेरी गर्दन है उसमें ज्यादा सूजन है और हाथ पैरों पर स्वेलिंग आ चुकी है। मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है हाँ जी, मुझे ये जानना है कि मेरी ये दिक्कत किस वजह से है। ठीक है ठीक। जो देखिए, ऐसे बैठे सीधा मेरी तरह, और ये एक्सरसाइज आप 3 मिनट करें। ये कान आप अपने कंधे से लगाने की कोशिश करें। आप मेरी तरह नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कर पाएं उतना करिए। 3 मिनट ये एक्सरसाइज रोज करें, और 3 मिनट ये गर्दन भी ये पूरी घुमाएं। अगर आपको सर्वाइकल है तो उसको इस एक्सरसाइज से ठीक हो जाना चाहिए। सुबह से शाम तक 3-3 मिनट ये एक्सरसाइज ज़रूर कर लिया करें। इसका रिज़ल्ट 10 से 15 दिन में आता है। आप ये एक्सरसाइज करें और फ़ायदा उठाएं। आपको जो थायराइड है, थायराइड की गोली खाते हुए वो दवा ज़रूर खाएं, लेकिन धनिया का पाउडर बना लें। धनिया का पाउडर तो हर घर में होता ही है। अच्छा हो, साफ और असली होना चाहिए, मिलावट वाला ना हो। आधा चम्मच धनिया खाइए, और एक आता है नमक जैतून, ये असली लें, ये नकली बहुत मिलता है। 2 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, 2 चुटकी खाने का सोडा जो बेकिंग पाउडर है वो पानी में मिलाएं, और इससे सुबह और शाम ये खा लिया करें। आपका थायराइड भी कंट्रोल होना मुमकिन है। जी, मुंबई से हैं शबाना कुरैशी, स्वागत है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। हम सर से कौन बात कर रहे हैं? जी जी शबाना बताइए। सर, मेरी उम्र 30 साल है और मेरी शादी नहीं है सर। और मुझे ना पेट में हथेली में गांठें हो गई थी, तो बहुत बड़ी बड़ी गांठें थी। वो ऑपरेशन कराए उसका, लेकिन डॉक्टर बोले फिर से आ सकते हो। तो उसका कोई ट्रीटमेंट है जो फिर से नहीं आना? और एक सवाल है सर, जी गोन सिया मंगाया है मम्मी के घुटने में और कमर में बहुत तकलीफ है, तो उससे हो जाएगा? पर घुटने में उनके गिरने की वजह से तकलीफ है उनकी 50 साल। हाँ, शुरू कर दिया आपने? नहीं, हाँ, कल से ही शुरू किया है सर। कल से शुरू किया। अगर 5-7 दिन, हाँ 10 दिन आप देंगे तो फ़ायदा हाँ शुरू हो जाएगा, नज़र आना, और ये ख़त्म होते होते आपकी वालदा को फ़ायदा मुमकिन है। देखिए, मैं एक इलाज बता रहा हूँ आपको, आपके लिए, कि नमक जैतून का आपने सुना होगा, मैं बार बार जिक्र करता हूँ। नमक जैतून 2 चुटकी में जितना आए इतना पानी में मिलाइए, और 2 चुटकी खाने का सोडा जो बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं ये भी पानी मिला दीजिए, और ये दिन में एक बार कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पी लिया करिए, उन गांठों को होने से रोकने के लिए। ये जो चर्बी की गांठें होती हैं ये डिपॉजिट्स होते हैं, यानी जब हम ज़्यादा चर्बी खा लेते हैं तो वो कहीं नहीं तो कहीं डिपॉजिट हो जाती है, मतलब ज़खीरा हो जाता है वो चर्बी का। वो गांठों की सूरत में अक्सर पेट में हेल्दी लोगों के नज़र आती हैं। तो ये अगर आप ले लिया करेंगे तो ये ज़खीरा नहीं होने देगा, इस चर्बी को काट के जिस्म से बाहर करता रहता है।